दोस्तों एक्सीडेंट में ये हड्डी काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में टूट गई थी। ओपन फ्रैक्चर था, एक तरह से कहें तो 6-7 इंच हड्डी लगभग चूरा हो गई थी। इनका इलाज इलिजारो फ्रेम लगा के किया गया। हड्डी के ये छोटे छोटे टुकड़े सारे हटा दिए गए, वहाँ पे गैप बन गया। फिर हड्डी में कॉटनी करके इलाज किया गया और लगभग 1 साल होते होते पूरी नई हड्डी बन गई। ये गैप भर गया, नई हड्डी बन गई वहाँ पर, जैसा कि हम एक्सरे में देख रहे हैं। एक तरफ एक्सरे 5 मई 2023 का है और दूसरी तरफ एक्सरे 4 अप्रैल 2024 का है। तो चलिए दोस्तों इस केस को हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये राहुल जी हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा का हूँ। आगरा के रहने वाले हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ था मार्च 2023 में और एक्सीडेंट में इनका ओपन फ्रैक्चर हुआ था, जिसमें हड्डी बहुत छोटे छोटे खंड में, जैसा कि ये एक्सरे हम 8 मार्च का इनका देख रहे हैं, तो हड्डी बहुत छोटे छोटे खंड में टूट गई थी और करीब करीब 6-7 इंच हड्डी इनकी एक तरह से चूर चूर हो गई थी, बहुत छोटे छोटे पीसेस में टूट गई थी। तो पहले आप यहीं पर आए थे इलाज के लिए आगरा से, तो इनका इलाज में पहले फिक्सेटर लगाया गया था कुछ समय के लिए, ताकि ये जो ओपन फ्रैक्चर से घाव हुआ है वो घाव भर जाए, ताकि फिर आगे का इलाज हो, ऊपर की चमड़ी का घाव। तो ये फिक्सेटर लगने के बाद की इनकी एक्सरे हम देख रहे हैं। ये एक्सरे है 11 अप्रैल 2023 की, तो इसमें हम देख सकते हैं फिक्सेटर लगा हुआ है और हड्डी जो छोटे छोटे खंड है तो वो तो अभी दिख ही रहे हैं। तो और इसके बाद ये एक 5 मई का एक्सरे है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि करीब करीब 6-7 इंच इनके हड्डी में गैप बना दिया गया है। जो जो छोटे खंड थे, जो जो छोटे टुकड़े थे हड्डी के, वो हटा दिया गया है और यहाँ पे अब नई हड्डी बनाने का प्रोसेस होगा, हड्डी में कॉटनी करके। अगर आप इस एक्सरे में देखिए तो ये है 8 जुलाई 2023 का, इसमें हम देखेंगे ये नीचे से हड्डी कॉटनी करके ये हड्डी को ऊपर ले जाया गया है और ऊपर से भी हड्डी में एक कॉटनी करके ये हड्डी नीचे लाया गया है और इनको जोड़ा जा रहा है और यहाँ पे नई हड्डी बन रही है। दोस्तों ये एक्सरे 4 अप्रैल 2024 का है और ये इलिजारो फ्रेम निकलने के बाद का एक्सरे है। 4 अप्रैल को ही इनका इलिजारो फ्रेम निकाल दिया गया है। इसमें हम देख सकते हैं 7 इंच हड्डी रिकवर हो चुकी है, गैप पूरा भर गया है। अगर हम दोनों एक्सरे को एक साथ देख के बात करें तो एक एक्सरे में हम देख रहे हैं कि हड्डी में गैप है और इसको फिर हड्डी में दोनों तरफ कॉटनी करके, ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से कॉटनी करके ऊपर वाले फ्रेगमेंट को धीरे धीरे नीचे लाया गया और नीचे वाले फ्रेगमेंट को धीरे धीरे ऊपर ले जाके ये बीच का गैप भर गया है और नीचे और ऊपर ऊपर दोनों तरफ नई हड्डी जनरेट हो गई है, नई हड्डी बन गई है। इस पूरे इलाज में अभी तक लगभग 1 साल का समय लगा है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 8 मार्च 2023 को। तो आपको इस हॉस्पिटल के बारे में पहले से जानकारी थी कि कैसे आप जान? नहीं थी। किसी साथ वालों ने, जैसे किसी से एक्सीडेंट हुआ तो होते हैं ना साथ वाले रिश्तेदार, लोगों से पता किया कि कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, तो उन्होंने बताया कि देसवार हॉस्पिटल सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है भरतपुर के अंदर, तो भरतपुर लेके आए और डॉक्टर साहब ने एक्सरे देखा और भी बहुत से लोगों के पास एक्सरे हॉस्पिटल में भेजे गए, तो उन्होंने सबने मना कर दिया था। एक्सीडेंट तो बहुत भयंकर हुआ था तो और सभी ने के पास अपने एक्सरे भेजे गए और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं भरतपुर के अंदर, तो उन्होंने, मेरा एक्सीडेंट जो है भरतपुर के पास में हुआ था। अच्छा, भरतपुर के पास में हुआ था, तो इस वजह से हमें भरतपुर सबसे पहले देखा गया कि भरतपुर में कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट है और एक्सीडेंट हुआ था ज़्यादा, तो मेरा ब्लीडिंग भी हो गई थी बहुत काफ़ी रोड पे, तो सबसे पहले हमने यही आया कि भरतपुर में जो सा बेस्ट हॉस्पिटल है उसी में चलते हैं पहले। तो भरतपुर में भी कॉन्टेक्ट किया, रिश्तेदार थे हमारे रिलेशन में, तो उन्होंने सबने यही सजेशन किया कि आप भरतपुर में देसवार हॉस्पिटल सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है उसमें जाइए आप। तो फिर लेके आए, डॉक्टर साहब ने एक्सरे देखा और डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि गारंटी ले ली, ठीक कर दूंगा बिल्कुल। डॉक्टर साहब का गारंटी ऐसा ही होगा ना? डॉक्टर साहब ने देख के, एक्सरे देख के गारंटी ले ली मैं ठीक कर दूंगा।
और उसके बाद आप लगातार यहीं पे इलाज? हाँ, फिर उसी दिन से लगातार यहीं पे कंटिन्यूस इलाज चल रहा है। उन्होंने बोल दिया कि जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जो जो छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि प्लेट बोन कॉट नहीं करी उन्होंने दो बार, ऊपर से एक बार ऊपर से हड्डी काटी, ऊपर से हड्डी काट के भराई नीचे की साइड में, नीचे से कट लगाया, फिर दोनों तरफ से भराया, दोनों तरफ से इसलिए किया गया था कि 7 इंच हड्डी थी ना, तो 7 इंच हड्डी बनाने में डॉक्टर साहब बोले कि इसमें टाइम लग जाएगा, काफी सारा टाइम लगेगा। तो जैसे कि मान लो एक साइड से चलाते ना 7 इंची को, हाँ। तो लगते 6 महीने, दोनों साइड से चलाया तो वो 3 महीने में रिकवर हो गई थी हड्डी आपकी, 3 महीने में रिकवर हो गई थी हड्डी, बन गई थी बिल्कुल कम्प्लीट। हाँ, हाँ। फिर उसको धीमे धीमे मजबूती के लिए चलता रहा, ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर अब फिर इसमें बीच में जो भी छोटे मोटे ऑपरेशन हुए थे ना, जैसे कि बीच में हड्डी दोनों साइड से बढ़ाई गई थी टेंशन के अकॉर्डिंग, जैसे बोल्ट के थ्रू, तो उसमें बीच में मांस आ गया था, बीच में मांस आ गया था, खाल आ गई थी बीच में, हड्डी जैसे भरते दोनों साइड से, तो जब बीच में गैप था, मांस हड्डी थी नहीं, तो मांस लटक गया, लटकने के बाद वो दोनों तरफ से हड्डी बढ़ गई तो उसके बीच में आ गया, तो फिर उसको छोटा सा ऑपरेशन करके उसको ऊपर निकाला। फिर अब लास्ट ऑपरेशन है, जो डॉक्टर साहब ने बोला कि इसको प्लेट लगा देते हैं, प्लेट से इसको मजबूती मिल जाएगी बिल्कुल अच्छे ढंग से, ये कह रहे थे बाद में अपना निकलवा लेना जब कभी टाइम मिले आपको। अब बिल्कुल पैर ठीक है, अच्छे से खूब चल लेता हूँ मैं, काम भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ मैं 4 महीने से। अच्छा, काम कर रहे हैं। तो ये बता दीजिए आपका इलाज में, जैसे पहला ऑपरेशन हुआ बड़ा ऑपरेशन, उसके बाद पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन, काफी 3-4 ऑपरेशन हुए होंगे छोटे मोटे सब मिला के? सारे ऑपरेशन मिला के 6वां ऑपरेशन है आज। अच्छा, 5 ऑपरेशन पहले हुए हो चुके हैं मेरे 5। हाँ, तो ये बताइए 5 ऑपरेशन हुए हैं तो खर्चा उर्चा हमेशा ज्यादा खर्चा लगा है कि? खर्चा और जगह से जैसे देखो कंपेयर किया जाए ना, और जगह से मतलब 60% डाउन ही रहता है इनका। अच्छा, मतलब आधे से भी कम खर्चा? आधे से भी कम खर्चा आता है इनका, जैसे और जगह हमने देखो ऐसा है, हम मैंने तो ट्रीटमेंट कराया है, आप भी कोई भी हो है तो कोई ट्रीटमेंट कराता है ना, तो पहले सारी जांच पड़ताल कर लेता है अपनी, तो हम देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमने भी और जगह कई जगह बात की थी, हमने 2-3 जगह बात की थी डॉक्टर साहब से, पहले आया तो मैंने मोटा मोटा जब लेके आए थे तो डॉक्टर साहब से पूछ लिया था मैं, डॉक्टर साहब इसमें कितना खर्चा आ जाएगा समथिंग, तो बोले इतना हो जाएगा, इतने ऑपरेशन करने पड़ेंगे। मैं ठीक है, तो पहला ऑपरेशन हुआ, हर ऑपरेशन पे हमने और दूसरी जगह भी ट्राई करके सारे ऑपरेशन तभी कराए थे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले ऑपरेशन का खर्चा बता दिया इतने रुपए लगेंगे, मैं ठीक है जी डॉक्टर साहब अभी आपको जवाब देंगे, दूसरी जगह और ट्राई करा मैं, ऐसे ऐसे फ्रेम लगेगा इसमें कितने पैसे लगेंगे, तो उन्होंने बताया अपना इतना, फिर डॉक्टर साहब का 60% डाउन था उनसे, तो फिर डॉक्टर साहब से कराया। अच्छा, तो एक चीज़ आप बता दीजिए, ये आपका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, हड्डी इतनी खराब हुई थी, इलाज आप लगभग पूरा यहीं पे कराए हैं? सारा इलाज तो शुरू से यहीं पे हुआ सारा। तो आपका एक मोटी मोटा अंदाजा होगा कि कितना आपका खर्च लग गया होगा? मोटा मोटा 4 के समथिंग, 4 लाख के आसपास। मतलब ऑपरेशनों का नहीं, हाँ। ट्रीटमेंट वगैरह टाइम दवाई वाई मेडिसिन सारा मिला के। अगर हम ऑपरेशन की बात करें कि ऑपरेशन का अगर जो जमा करना रहा होगा वो कितना लगा होगा? जैसे हम एक्चुअल ऑपरेशन की बात करते हैं तो मेरा लगा था सर, पहला ऑपरेशन हुआ था, दूसरा ऑपरेशन हुआ था, तीसरा ऑपरेशन, चौथा ऑपरेशन, 5वां ऑपरेशन, तो आज लास्ट ऑपरेशन है, एक 55 के समथिंग। अच्छा, 1.55 के समथिंग आप ऑपरेशन का है? हाँ, जैसे ये ऑपरेशन का था, मान लीजिए ऑपरेशन के टाइम जो 2-4 दिन मेडिसिन वगैरह लगती है सब उसी में होगा ना? जी, तो 1.55 में ही, जैसे कि 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं ना, हाँ हाँ, उसमें ही था। हाँ, मेडिसिन भी उसी में थी, सारा उसी में था। जैसे अब हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज कराते घर जा रहे हो, वो मेडिसिन अलग थी, उस मेडिसिन का भी खर्चा मिला के अब तक का टोटल 4 के समथिंग हो गया है। मतलब आप हॉस्पिटल में जो जमा किए हैं 1.55-60 के आसपास जमा किए हैं, बाकी मेडिसिन वगैरह हो गया, आने जाने का हो गया, आने जाने का रेंट किराया, हाँ, सारा कुछ मिला के और, हाँ, वो आपका सब इलाज में मतलब लेके 4 के आसपास पहुँचा रहे हैं ना।
और जगह का मतलब और जगह से मैंने बात की थी, और जगह से 60% कम है, कम से कम मैंने बात की थी। अभी एक भैया है हमारे आगरा में, उनका इलाज चला था, हॉस्पिटल का नाम मिलना तो सही नहीं है, तो वहाँ पे तो उनका 11 लाख रुपया खर्चा आया उसमें। अच्छा, टोटल और साल लग गए 2.5। मेरे अभी एक साल हुआ, एक साल में 7 इंच हड्डी बना के डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कर दी, और उनका 4 इंच हड्डी थी, 4 इंच हड्डी बनाने में 11 लाख रुपए खर्च हो गए, और अब ठीक हुए हैं वो 2 महीने पहले, 2.5 साल में। अच्छा, उनका 2.5 साल लग गया। 2.5 साल लग गया उनको, और आपका 1 साल लगा, 7 इंच हड्डी रिकवर हो गई, और पैसा भी आधे, पैसा भी आधे से कम लगा। तो आप लोगों से क्या बताना चाहेंगे यहाँ पे, आप 1 साल से इलाज करा रहे हैं, इतने ऑपरेशन कराए हैं, तो हॉस्पिटल के बारे में? मैं तो लोगों से यही बताना चाहूँगा कि देखो, जो भी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, जो भी वैसे अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो उनके लिए सबसे पहला सजेशन यही है कि वो देशवार हॉस्पिटल में आएँ और यहाँ पे अपना इलाज कराएँ। यहाँ पे सबसे एक तो बात देखो, कोई पेशेंट होता है उससे ट्रीट कैसे किया जा रहा है, बातचीत करने का तरीका सबको अच्छे से समझाया जाता है। डॉक्टर साहब का ये सबसे बहुत अच्छा व्यवहार है, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं किसी भी चीज़ को, जल्दी समझ में आ जाती है वो, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है हैं। और यहाँ पे पैसे वैसे की बात भी कर लेते हैं ठीक ठाक, मतलब कोई ज़्यादा यहाँ का ट्रीटमेंट महंगा नहीं पड़ता है, ट्रीटमेंट दवाई का भी और पैसे का भी, और स्टाफ का बिहेव भी बहुत अच्छा है, सब कॉम्प्रोमाइज करके रहते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आज इनका प्लेट लगने वाला है, प्लेट लगेगा, बोन क्राफ्ट होगा, तो इनका आगे का अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर दे दूंगा, ठीक है राहुल भाई, धन्यवाद। दोस्तों 6-7 इंच जो इनकी हड्डी चूर चूर हो गई थी, वहाँ पे नई हड्डी बन गई है, गैप भर गया है, और उसमें प्रॉपर मजबूती आ जाए इसके लिए आज उसमें प्लेट और बोन ग्राफ्ट का ऑपरेशन किया जा रहा है। उसमें प्लेट लगेगा और बोन ग्राफ्ट होगा, ताकि ये जो दोनों फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट ऊपर से और एक नीचे से ला के आपस में मिलाया गया है, तो वो मजबूती से आपस में पकड़ बना ले, और उम्मीद है लगभग अगले 1 से 2 महीना में ये बिना सहारा बढ़िया चलने लगेंगे। तो इनके इलाज का आगे का अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर देता रहूँगा। दोस्तों अगर आप भी हड्डियों की किसी समस्या से परेशान हैं, फ्रैक्चर हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, हड्डी नहीं जुड़ पा रही है, या फिर कोई और दिक्कत है, तो आप हमसे बात करना चाहते हैं या फिर डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305-26-4009-9305-26-4009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।